नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की मांग की गई। कुशीनगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व ग्राम कुडवा उर्फ दिलीप नगर के गुरमिया अक्षेबर टोला के ग्रामीणों द्वारा कसिया ब्लॉक के अंतर्गत स्थित प्राथमिक विद्यालय गुरमिया अक्षेबर टोला में समाजवादी पार्टी के यूजन सभा के ब्लॉक अध्यक्ष अजय प्रताप गौड व जितेंद्र कुशवाहा क्षेत्र सदस्य के नेतृत्व में निकाला गया कैंडल मार्च। और ये मांग की गई स्वर्गीय मनीष गुप्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए तथा उनकी पत्नी को अतिशीघ्र 1 सरकारी नौकरी दी जाए एवं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए। उनका कहना था कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती हो तो समाजवादी पार्टी सभा बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता व संदीप यादव, गोलू यादव, प्रदीप यादव, कमलेश यादव, कई लोग मौजूद रहे। मनीष गुप्ता को, मनीष गुप्ता को, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। किस संबंध में आप लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं? जो कानपुर का निवासी मनीष गुप्ता है, जो बिजनेस के तौर पे गोरखपुर में आया था, पुलिस उसको उठाकर जबरन थाने में ले जाकर बंद किया और उसको मारा, जिसके कारण उसका मौत हो गई। इसके विरोध में हम लोग सरकार के विपक्ष में खड़ा होकर ये जताना चाहते हैं कि इस भारत देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम इस गांव के छोटे बड़े दी जाए तथा सरकारी नौकरी उसके घर में दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आपका नाम क्या है? आपका नाम? अजय प्रताप गौड़, यूजन सभा ब्लॉक अध्यक्ष कसिया। ठीक, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुशवाहा। एक कैंडल मार्च जो निकाले गए हैं, इसमें कुछ बताएंगे आप, किस लिए निकाला गया है और कहां कहां घुमाया गया है? प्रशासन की लापरवाही की वजह से जी जी हमारे कानपुर से जो मनीष गुप्ता चल के आए थे जी और गोरखपुर में होटल में रुके थे, जिनको उन्होंने गोरखपुर में होटल में ही मारकर उनकी हत्या कर दी और उनके विरुद्ध कोई उनके प्रशासन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उन्हीं के खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च निकाला है जी। आपका शुभ नाम? जितेंद्र कुशवाहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्वा दिलीप नगर। ठीक,